हम लोग ने क्लास लेक्चर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट किया था जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है जो हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में समझने में लगती है वो मैंने आप लोग को बताया था ताकि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्रॉ करें तो ये क्या क्या हो जाए हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा क्या हो जाए ईजी हो जाए अब देखिए Uh, मुझे एक और चीज़ यहाँ बताना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पर होता है हम लोग जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया्रिया्रिया्रिया्रिया में होता है राइट सो देखिए ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया बहुत uh, सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया है ये हमारा हमारा आउटर माइटोकॉन्ड्रल मेम्ब्रेन ये इनर माइटोकॉन्डियल मेम्ब्रेन ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ये हमारा मैट्रिक्स हो गया एंड ये जो डिप्रेशन से दीजा द क्रिस्टी ओके okay, सो so, आउटर माइटोकॉन्डल मेम्ब्रेन जो होता है इट इट इज़ परमिएबल सो और इसके अंदर क्या होता है बहुत सारे प्रोटीन पोरिन चैनल्स होते हैं सो यहाँ से बहुत सारे सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं आराम से आ जा सकते हैं देन आता है हमारा इनर मेम्ब्रेन इनर मारिकोनर मेम्ब्रेन क्या होता है इम्पर्मिएबल होता है और इट इज़ प्रोटीन रिच ओके सो यहाँ पर जितने भी सब्सटेंसेज है चाहे स्मॉल मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स ए टी पी ए डी पी इनऑर्गेनिक फॉर्स्पिट इनका ट्रैवलिंग क्या होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है मुश्किल होता है सो दे नीड सम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स देन बात करते हैं मैट्रिक्स की तो मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं लाइक इसके अंदर टी सी साइकिल के लिए जो एंजाइम्स की जरूरत होती है वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहती है माइटोकॉन्ड्रिया के देन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के जो एन्जाइम्स हैं या फिर मैको बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स भी यहाँ पर मिलते हैं हमें माइट्रोकॉन्ड्रेल डी प्रेजेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रेल आयरन ए माइट्रोकॉन्ड्रल डाइबोजो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है फिर हमें यहाँ पर ऑक्सीडाइज को एनजाइम्स मिल सकते हैं लाइक एन प्लस एफ देन हमें देमें ए प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ों की जरूरत पड़ती है ए यानी कि यानी डाइन्यूक्लियोटाइड डाइनोक्लोटाइड फॉस्फेट एन एन ऑर्गेिक फॉस्फेट किया जरूरत जरूरत पड़ती है सबके सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं तो ये था अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मैंने आप लोग से लास्ट वीडियो में कहा था कि बेसिकली यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ये क्यों होता है ताकि एक प्रोटॉन पंप क्रिएट हो और प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जिसकी वजह क्या हो एटीपी फॉर्मेशन में आसानी हो तो देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो बेसिकली इलेक्ट्रॉ प्रोटॉन ग्रेडियंट किस तरीके से फॉर्म होगा कि ये मान लीजिए हमारा मैट्रिक्स है माइटोकॉन्डल मैट्रिक्स ये इनर माइटोकॉन्डल मेम्ब्रेन है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है आउटर माइटोकॉन्डल मेम्ब्रेन तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रोटॉन्स है वो मैट्रिक्स से आएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ओके okay? किस को पार करके इनर माइटोकॉन्डल मेम्ब्रेन को पार करके आएंगे तो प्रोटॉन जो रहेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज़्यादा रहेगा और मैट्रिक्स में कम रहेगा तो ये बन गया एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया उस तरीके से मैट्रिक्स के अंदर जो रहेगा पी क्या रहेगा हाई रहेगा और जो इंटरमेम्बर स्पेस है उसके अंदर क्या रहेगा पी कम रहेगा सो दैट विल बी अ पी एच ग्रेडियंट तो इस जो ग्रेडियंट की वजह से इन दोनों जो ग्रेडियंट है इनकी वजह से जो एनर्जी डराइव होगा वो हेल्प करेगा एटीपी सिंथेसिस में जो कि हम लोग इन नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे इनशाला नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के इनिबिटर्स के कुछ नाम होते हैं कि भाई कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं या इनिबीटर्स होते हैं जो जो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बीच में या आखिर में या कहीं पर भी अगर दे दिया जाए तो या शुरुआत में दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा नहीं या होगा तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बड़ा ही कुछ फॉल्टी बनेगा तो आ, हम जब जानते हैं इसका प्रोडक्ट क्या है तो यहाँ पर आ, हम सब जानते हैं मेटाबॉलिक वाटर एंड ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस होती है यहाँ पर तो मेटाबॉलिक वाटर कब प्रोड्यूस होता है जब यहाँ पर क्या होगा जो हाइड्रोजन है या मैं कहूँ प्रोटॉन है ये जब किसके आकर या फिर तो, इलेक्ट्रॉन्स में कहूँ तो इलेक्ट्रॉन्स मेनली कहा जाएगा तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स है वो किससे आकर बाइंड कंबाइंड करेंगे रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ और ये क्या बनाएंगे वाटर बनाएंगे दैट इज अगर मैं एक शॉर्ट वर्जन में कहूँ मैं यहाँ एक साइड में लिखती हूँ कि अगर मैं कह रही हूँ फोर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिड्यूस करेंगे किसको एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को तो हमें मिलेगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटाबॉलिक वाटर एंड एनर्जी ऑब्वियसली सो यहाँ पर जो है तो ये हमारा क्या है एंड प्रोडक्ट के लिए होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में राइट सो so, अगर यहाँ पर किसी भी प्रोसेस में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बीच में कोई भी इनिवेटर ऐड कर दिया जाए तो चेन क्या हो जाएगी ख़राब हो जाएगी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या क्या इनिवेटर्स ऐड कर सकते हैं साइनाइड देन हाइड्रोजन सल्फाइड देन कार्बन मोनोऑक्साइड दे सकते हैं या सोडियम अजाइड एन एन थ्री देन बारबिटोरेट्स डायमर कैप्रोल देन एंटीमाइसिन ए एम आइटेल रोटेनॉन ये सब क्या है इलेक्ट्रोट्रांसपोर्टिंग के इनिबेटर्स हैं ये जो पहले तीन इनिबेटर्स मैंने कहा साइनाइट हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ये मेनली कॉम्प्लेक्स फोर दैट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को क्या करते हैं इनिबेट करते हैं देन देन देखिए मैंने अभी आप लोग को ये चीज़ बताई थी कि जब चार इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस करेंगे एक ऑक्सीजन को तो हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड में क्या मिलेगा दो मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर या सबका रिश्व अगर मैं हाफ कर दूँ कि दो इलेक्ट्रॉन्स है रिड्यूस करेंगे हाफ ऑक्सीजन को तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर मिलेगा सो दट्स द रिएशन जो आप सब समझ सकते हैं आप लोगों ने सब अपना हायर सेकेंड्री में पढ़ा है सो इससे ये मैंने आप लोग को इसलिए बताया यहाँ पर कि अगर मान लीजिए मेरे किसी इनिवर्टर देने की वजह से जो मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसमें क्या होगा ऑक्सीजन क्या होगा सही से रिड्यूस नहीं हुआ और मेटाबॉलिक वाटर नहीं फॉर्म हो पाया तो यहाँ पर वो जो कुछ स्पीशीज़ बनेंगे जिन हम जिनको हम क्या बोलेंगे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ क्या बोलेंगे हम उन्हें मैं यहाँ पर लिखती हूँ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ इसको आर ओ एस से डिनोट करते हैं ओके okay? सो so, क्या होगा कि अगर मेरा ऑक्सीजन सही से रिड्यूस नहीं हो पाया और मेटाबॉलिक वाटर नहीं फॉर्म हो पाया तो क्या फॉर्म होगा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जैसे कि अगर लाइक uh, सुपरऑक्साइड like, बन सकता है ओ टू माइनस रेडिकल की हम बात करें तो देन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन सकता है या हाइड्रोक्सिल रेडिकल बन सकता है अगर ये सारी चीज़ें बनी तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डी एन ए बहुत ज़्यादा क्या होगा ख़तरनाक तरीके से डैमेज हो सकता है और डी एन ए है प्रोटीन्स है और लिपिड का क्या हो जाएगा परॉक्सीडेशन हो जाएगा सो so, ये सारे क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इनिबिटर्स के क्या है डिसएडवांटेजेस हैं ओके okay, तो इसी रिगार्ड से इस लेक्चर में मैं आप लोग को एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि हम लोग इसे रेस्पिरेटरी चेन क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इसलिए बोलते हैं भाई क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन कैरियर कैरमॉरिक्स प्रेजेंट रहते हैं बट रेस्पिरेटरी चेन क्यों बोलते हैं तो हम सब जानते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में कि जब ग्लूकोज जो है सी सिक्स एस्ट्रल ओ सिक्स जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या देता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है राइट right? मैंने ऑलरेडी इक्वेशन को बैलेंस किया हुआ है तो अब मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा भाई हमने तो खाना खाया है या हमें तो ग्लूकोज वगैरह सब मिलेगा राइट right? सो so, जब इलेक्ट्रोक ट्रांसपोर्ट चेन होगा और ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज क्या होगा रिएक्ट करेगा तो क्या देगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देगा राइट सो दैट्स द प्रोसेस कि रेस्पिरेटरी चेन क्यों बोल रहे हैं कि हमारे बॉडी के रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी uh, चीज़ों के लिए रेस्पिरेटरी चीज़ों से मेरा मतलब क्या है कि जहाँ पर भी बॉडी में ऑक्सीजन का यूज़ होता है ठीक है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ होगा और क्या होगा ये जैसे एक एग्जाम्पल है सेलुलर रेस्पिरेशन का तो यहाँ पर क्या हुआ ऑक्सीजन का यूज होगा और क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा हमारी बॉडी से सो दट वाई इसे क्या बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी चेन क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या रेस्पिरेशन में हम क्या लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन तो का क्या होगा सबसे ज़्यादा क्या होगा यूज होगा सो दैट्स इट फॉर टू वीडियो होप यू लाइक इट प्लीज़ यू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन विच वीडियोज़ यू वॉन्ट नेक्स्ट थैंक यू